शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने आप सबके लिए ना कुछ बनाया है, मैं अभी लाती हूँ। क्या हुआ? कौन है? वो मेनका का है, हम बात करके आते हैं। हेलो, आपने फोन कैसे किया राज जी? उस दिन हमारी बातें अधूरी रह गई थी, फिर आपने फोन भी नहीं किया, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं फोन कर लेता हूँ। तो कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, वो घर पे थोड़ा काम आ गया था तो। काम तो चलता रहता है कीर्ति। खैर, अगर आप थोड़े फ्री हैं तो हम मिल सकते हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, आपसे बस कुछ जरूरी बातें करनी थी। पिछले बार जिस तरह से वरुण जी ने पार्टी में राज जी के साथ बर्ताव किया था, उसके बाद तो हमने इनसे माफी भी नहीं मांगी। मिलके ही बात कर लेती हूँ। ठीक है, कहाँ मिलना है? हाँ ठीक है। वरुण जी को बता के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, वरना वो फिर से कोई नया बवाल खड़ा कर देंगे। ये जो जीत हुई है, ये मेरे अकेले की जीत नहीं है। आप सबके साथ के बिना ये कभी मुमकिन नहीं हो पाता। अरे, जीत की ज्यादा खुशियां ना ही मनाई जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वो पायल इस घर से चली गई है, पर उसका खून अभी भी यहाँ है हमारी खुशियों में दाग लगाने के लिए। तनुजा जी, कम से कम आज तो खुशियां मनाने दीजिए। सुंदर है बेटा। मेरी फैमिली पिक्चर खराब कर दी तुमने, मैंने इतनी प्यार से बनाई थी। ये मेरी फैमिली नहीं है, तुम्हारी फैमिली है। सांदी, आपने अपना गुस्सा इस पे क्यों निकाला? आप जानते हो सिया आपसे कितना प्यार करती है, वो हमेशा आपके लिए। नहीं चाहिए मुझे किसी का प्यार, मुझे बस मेरी मम्मा चाहिए थी। आप मुझे मेरी मम्मा क्यों नहीं देती? बस बहुत बदतमीजी कर ली आपने। श्रद्धा ही आपकी मम्मा है। नहीं, मेरी सिर्फ एक ही मम्मा है, पायल मम्मा। और इन्होंने मुझे उनसे फिर से छीन लिया। सानवी, अब आप श्रद्धा की तरह अपनी आवाज ऊंची नहीं करेंगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, आपको नहीं पता इन्होंने झूठ बोलकर केस जीता है? आप मुझे क्यों डांट रहे हो? अपनी मम्मा को डांटो ना। जब वो मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने वाली थी, आप तो अभी मेरी डांटते ना, जब वो मुझे बलूस बोलती है। आपने कभी सिया को नहीं डांटा, जब वो गंदे तरीके से बात करती थी। आप खुद जब लड़ाई करते हो तो मुझे क्यों रोते हो? सिया बेटा, सांवी को माफ कर दो, वो अभी बहुत परेशान है। नहीं श्रद्धा, इस बार माफी नहीं मिलेगी। हमारे साथ जो करे सो करे, पर मैं सिया को रोते हुए नहीं देख सकता। शुक्रिया कि आप मुझसे मिलने आए, वरना कमबख्त उम्मीद टूट जाती। वो घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल, थोड़ी परेशानी है बस इसीलिए। क्या हुआ? नहीं मतलब, अगर आप बताना चाहें तो। वो क्या है कि अगर मैं कोई मदद कर पाऊं तो जरूर बताइएगा। नहीं नहीं, वो हमारी बहन का कोर्ट केस चल रहा था, उनकी बेटी की कस्टडी के लिए। ऐसे वक्त पे परिवार का साथ देना तो जरूरी होता है ना, इसीलिए आपसे भी बात नहीं हो पा रही थी। बहुत कम लड़कियां होती है आज के जमाने में,
जो अपने परिवार के बारे में सोचती है। वैसे बहुत खुश नसीब हूं मैं कि आप जैसे इंसान को मैं अपना दोस्त कह सकता हूं, और मुझसे ज्यादा खुश नसीब तो आपके पति हैं कि जिनको इतनी अच्छी जीवन साथी मिली। वो मेनका बता रही थी आपके वाइफ के बारे में। बस आई डू इट, थैंक यू। वैसे आपको मुझ पे दया तो नहीं आ रही ना मेरी अधूरी शादी के बारे में सुन के? देखिए अगर आप मुझ पे दया करेंगे तो आपकी मुस्कुराहट कम हो जाएगी, और मेरे होते हुए ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए काम करते हैं, आपके इस निखार को ना वापस लाया जाए। ये किस लिए? आप मुझसे मिलने आए उसके लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए, और हमारी दोस्ती में एक कदम जो आपने बढ़ाया उसके लिए। छोटा सा तोहफा है, कबूल कीजिएगा। राज जी ये तो बहुत महंगा होगा। आपकी दोस्ती के लिए किसी भी चीज का कोई मोल नहीं है मेरे लिए। आप बस इसके लिए हमें बुलाया था? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप हमारी कंपनी में मेरे साथ काम करें। इस पे सैलरी और पोजीशन लिख दिए मैंने, उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। ये इतनी बड़ी पोजीशन और इतनी ज्यादा सैलरी, आपको पता है ना राज जी की हमने जीवन में कभी कोई जॉब नहीं की है। तो क्या हुआ, मेरे लिए अनुभव से ज्यादा हुनर मायने रखता है मेरी कंपनी की तरक्की के लिए, और इस सारी कैलकुलेशन के बाद मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही इंसान हैं। हम कैसे, हमारी एक बेटी है, परिवार है, और वरुण जी क्या समझेंगे? आप आराम से वक्त लीजिए सोचने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको चार दीवारी में कैद नहीं रहना चाहिए, खुले आसमान में उड़ना चाहिए आपको। और वैसे भी आजादी ज्यादा सूट करती है आपके ऊपर, सोच लीजिए। कीर्ति उसके पैसे वाले होने से उसके चरित्र का पता चले ना चले, लेकिन नजरों को परखा जा सकता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं थी। और तुम उसके साथ हंस हंस के नाच रही थी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।